ऐतिहासिक नगरी पानीपत में फिर से हनी ट्रैप का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि युवक युवती ने प्यार के बाद गंधर्व विवाह किया था। आरोपों की माने तो कुछ दिन बाद पत्नी ने परिवार के साथ मिलकर 15 लाख रुपए नहीं देने पर युवक को रेप केस में फंसा दिया। 7 माह जेल में रहने के बाद युवक जमानत पर बाहर आया। युवक ने युवती के रेप की शिकायत देने से पहले पुलिस को शिकायत दी थी, जिस पर सुनवाई नहीं हुई। अब जमानत के बाद कोर्ट में इस्तगासा दायर किया और सबूत दिखाए हैं। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि पानीपत में कोर्ट के आदेश पर सेक्टर 29 थाने में युवती, उसकी बहन, मां, मौसा और 2 मौसी पर धोखाधड़ी, वसूली की कोशिश, जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है। एनएफएल टाउनशिप निवासी राकेश ने बताया कि उसने लखनऊ में इमारत बनाने का ठेका लिया है। वह कोरियर के सिलसिले में सालारगंज गेट के पास ऑफिस जाता था, जहां पर जाटल गांव की एक महिला काम करती थी। उससे जान पहचान हो गई, फिर महिला की बेटी से बातचीत होने लगी और उनके बीच प्यार हो गया। 27 जनवरी 2019 को उसका बर्थडे था, तब युवती उससे मिलने के लिए होटल में आई थी। 18 मई 2019 को होटल में युवती से गंधर्व विवाह कर लिया। राकेश ने कहा कि आरोपियों ने उससे कहा कि 15 लाख रुपए मिलने के बाद ही घर बसाएंगे। इस संबंध में व्हाट्सएप पर किए मैसेज के सबूत भी उसके पास हैं। रुपए नहीं देने पर रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। तब 30 जुलाई 2019 को उसने सेक्टर 29 थाना में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। 7 अगस्त को पुलिस युवती के घर गई, तब लड़की वालों ने बचने के लिए 10 अगस्त 2019 को युवक के खिलाफ नशीला पदार्थ देकर रेप करने का केस दर्ज कराया। पुलिस ने 14 अगस्त 2019 को उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके द्वारा पुलिस अफसरों को दी गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मार्च 2020 में वह जमानत पर जेल से रिहा हुआ। युवक ने कहा कि युवती अप्रैल 2019 में अपने मामा के घर पर गई थी, तब उसने अपने बड़े मामा पर भी रेप का केस दर्ज कराया था। बताते चले कि आज पीड़ित ने डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स से मुलाकात की। डीएसपी ने पीड़ित से समस्या सुनी और उसकी शिकायत एएसपी को भिजवा जांच का भरोसा दिया। जट गांव की एक लेडी थी, उसकी मेरे लड़के से वो जान पहचान हुई। उसने फिर अपनी लड़की है कोई समझती, उससे उसको मिलवा दिया। ये दोनों फिर आपस में मिलते जुलते रहे, घूमते फिरते रहे, कानपुर गए, लखनऊ गए, वृंदावन गए, ठीक है। फिर सामान सुन, उसकी मम्मी भी सामान मंगवाती रही कोरियर के थ्रू दुनिया भर के, उसके अंदर सीधे हैं। लड़की तो दुनिया भर का खर्चा करवाती रही। फिर धीरे धीरे उसकी बहन भी इसके साथ मिल गई, ठीक है। उसके बाद इनने गंधर्व विवाह कर लिया होटल में। फिर लड़का कहने लगा, भाई शादी हो गई तो अब चलो, कहते नहीं 15 लाख रुपये। तो उसके बाद ये पूरा गैंग बना, इसकी 2 मौसी, एक इसका मौसा, ये 2 बहन, ये 6-7 लोगों ने मिलके ने भाई 15 लाख रुपये लेंगे उससे। तो उन्होंने कहा दी 15 लाख रुपये दो। तो उन्होंने भाई 15 लाख रुपये किस चीज़ के, कहते नहीं अगर नहीं दोगे तो बलात्कार केस दर्ज कराएंगे। भाई बलात्कार केस दर्ज न हो जाए, इसलिए लड़के ने एक अप्लीकेशन दी सेक्टर 29 में 30/7/2019 को, ठीक है। वहाँ राजेश जांगड़ा को SHO बना, वो IO बनाया गया। राजेश जांगड़ा लड़के से मिला, भाई तेरी तफसील ढंग से कर दूंगा, मेरी सेवा पानी कर दे। लड़के ने कुछ पैसे दिए इसको, उसने और मांगे पर और बाद में दे देंगे। उसके बाद तफसीश तो की नहीं, उल्टा लड़की वालों के घर चले गए। उनको बोले भी ऐसे ऐसे दरखास्त है तुम्हारे खिलाफ, मुकदमा बनेगा, इसलिए तुम झूठा वो मुकदमा दर्ज करा दो बलात्कार का। अगले दिन जाके उनने सेक्टर उसमें माल टाउन थाने में असेंद्र चौकी में जाकर बलात्कार कर दिया। अच्छा, वो थाना होनी तो ये थी 29 सेक्टर में, क्योंकि NFL टाउनशिप 29 सेक्टर में और होटल रॉयल है वो 29 सेक्टर में, उनने की माल टाउन में, ठीक है जी। उसका तो कप्तान सिंह गिरफ्तार भी किया। उसके बाद फिर वो जी मैं और मिसी करनाल किसी काम से गए हुए थे। 14 वो रक्षाबंधन वाले दिन पीछे से आया कोई, रणवीर ऐसा ही था, वो एक दो और थे, वो उठा के ले गए उसको। पूरी रात इसको टॉर्चर किया, उसकी उंगली भी टूट गई, कान का पर्दा भी फट गया, ठीक है नहीं। फिर जी हमें पता ही नहीं लगा, हमने इधर उधर से पता लगा तो कि वहाँ गए हुए हैं, मैं तो नहीं जा, मेरा कोई दोस्त गया था, उसने जाके देखा तो इसको हथकड़ी लगा रखा, फिर लॉकर में बंद कर रखा। जब लॉकर के इतने मोटे मोटे सरिये लगे हुए हैं तो उसमें हथकड़ी लगाने की क्या जरूरत थी। तो ने रात को खाने का दूध दिया, सुबह फिर पेश किया, तो सुबह फिर हम आए। हमने कहा मतलब कोई बात नहीं, करनाल जा जाड़े में हम देखेंगे प्रमुख। उसके बाद हमने कोर्ट की सुन ली, यहाँ से बेल रिजेक्ट होगी। इनके पास सबूत थे सारे, सबूत लेके हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट गए। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सबूत दिया तो इसकी रेगुलर बेल हुई। उसके बाद दोबारा से फिर हमने अप्लीकेशन दी वो 15 लाख वाली कोर्ट में दी। तो कोर्ट में फाइल गई 29 सेक्टर में, उन्हें फिर उल्टी सीधी बलवान ऐसा था, उसने गलत रिपोर्ट दे दी, माल टाउन भेजी।
बालटाउन ने कुछ रिपोर्ट दी होगी, फिर माननीय न्यायालय ने FIR दर्ज करके, हमारे वकील राजेश त्रेन है, उन्होंने काफ़ी बहस की, सारे सबूत रखे, सारी बातें रखी, फिर माननीय न्यायालय ने FIR दर्ज करने की डायरेक्शन दिया। वहाँ गए तो फिर वहाँ पर SHO है राजवीर सिंह, वो FIR दर्ज नहीं करा, दो दिन में बैठा रखा। फिर हम गए जी DSP महोदय से मिले, उनकी उनने हस्तक्षेप किया तो फिर FIR दर्ज हुई। अब FIR दर्ज करने के बाद श्री भगवान को उसने IO बनाया, वो श्री भगवान तो हमारी सुन नहीं रही। एक बार मैंने फ़ोन किया, कहता मेरे पास जांच तो नहीं, मैं उठा के ले आऊँगा। मैं कहा भाई मेरे लड़के को दो दिन में अरेस्ट कर लिया था। कहता नहीं, मेरे पास दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहा भाई दबाव तो डालना पड़ेगा, मेरे साथ अन्याय हुआ है तो दबाव क्यों नहीं डालूँगा। उन्होंने फ़ोन काट दिया जी। उसके बाद फिर हम दोबारा से यहाँ आए हैं, वो तफ्तीश, वो लड़की तो एज पर रूल तो लड़के को अरेस्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमारे सारे सबूत हैं, कोर्ट की डायरेक्शन से FIR दर्ज है, लेकिन वो नहीं कर रहे जानबूझ की। क्यों नहीं कर रहे ये तो मैं कह नहीं सकता। DSP साहब क्या बोले? DSP साहब ने कहा था भाई अरेस्ट तो कर लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब ये थाना ASP मैडम के पास है, आप ASP मैडम से मिल लो, तो हम उनकी वेट कर रहे हैं, तो 2:30 बजे वो आएंगे, उनसे मिलेंगे। अब हमने दरखास्त लिख के दी है DSP महोदय का नाम, तो उनने वो मार्क उनको मार्क कर दी है। अब वो क्या कहते हैं आगे देखो। क्या नाम आपका? DR दैया। बताओ, मेरे बोलो, मेरे ऊपर झूठा रेप का मुकदमा दर्ज कराया, मैं जेल गया, उसके बाद मेरे मम्मी पापा पे सारे सबूत मौजूद थे, उसके बाद उन सबूतों के आधार पे मेरी जमानत हुई। उसके बाद मैंने बहुत जगह एप्लीकेशन लिखी, DC पानी, ये SP पानी पर, DIG हरियाणा, हर जगह, लेकिन पुलिस गलत रिपोर्ट भेजती रही। उसके बाद जी हमने अपने वकील रजनीश त्रेन जी के थ्रू कोर्ट में दरख्वास्त दी, जिसके बाद ही इन थाने वालों ने गलत रिपोर्ट बना के भेजी, बलवान सिंह SI ने। उसके बाद जी सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए और हमारे वकील की वहाँ पर बहस हुई, जज साहब से सारे तथ्य दिखाते हुए जज साहब ने ऑर्डर किए लड़की पे FIR दर्ज करने के। FIR भी इन्होंने टाइम से दर्ज नहीं की, DSP बस साहब के हस्तक्षेप के बाद FIR दर्ज हुई। अब 4 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना मेरे पास कोई आया है बयान लेने। और जी हम यहाँ पे इस टाइम बस साहब पे गए थे, उन्होंने जी फॉरवर्ड कर दिया है ACP साहब के पास, पूजा वशिष्ठ पे, क्योंकि उनके अंडर थाना आता है, तो हम गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं जी, क्यों नहीं अब तक लड़की गिरफ्तार नहीं की, सारे सबूत होते हुए। सर, एक NFL का हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, वो आज आपसे मिले भी होंगे, क्या कर रहे हैं इस बारे में? सेक्टर 29 में FIR दर्ज हुई है, कोर्ट के माध्यम से इन्होंने FIR करवाई है और उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी FIR दर्ज करके, और जो भी इसमें फैक्ट्स आएंगे वो उसके आधार पर ही कार्रवाई करेंगे। लड़के के पास सबूत है सर, उस महिला का, जिसमें पैसों की डिमांड की है? हाँ हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत दे सकता है और जो भी इसमें आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। गांव के लड़के का मर्डर था सर, केवाना गांव 15 तारीख को जी। उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, करीब 10 आदमी के ऊपर आरोप लगाए हुए हैं, बाकी के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस जिसका भी दोष होगा वो गिरफ्तार करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।